हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हमारी जो रीजनल प्लानिंग की क्लास है वो सेकंड क्लास चल रही है। यहाँ पर रीजनल प्लानिंग की सेकंड क्लास, ठीक है। एक इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है रीजनल प्लानिंग की, और अब हम ये दूसरी क्लास लेके आए हैं। देखो, ये जो क्लास है वो कुछ इस तरीके से होगी। उसका कारण ये है क्योंकि रीजनल प्लानिंग में अभी कुछ ऐसा टॉपिक नहीं आ रहा है जो हमें अच्छे तरीके से समझाने का हो। ये सारे के सारे वो फैक्ट हैं, वो डेटाज हैं जो आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। इनको मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो भी आपको याद करने पड़ेंगे, और इनको मैं इस तरीके से इस फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा तो भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं समझने का। जो ये आज का जो वीडियो रहेगा उसमें समझने का कुछ नहीं है, सब कुछ ओनली याद करने का है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो ये वीडियो है वो इस तरीके से बनाने की सोचा है। विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज वर्ल्ड, ठीक है। जो विश्व विकसित देश हैं उनमें प्रादेशिक नियोजन किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो हम सारा डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो, अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ, अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ सन 1922 में एक प्रादेशिक नियोजन संघ नामक निजी संस्था की स्थापना से हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ कब हुआ, 1922 में हुआ, ठीक है। और कौन सी संस्था के द्वारा, प्रादेशिक नियोजन संघ, एक संस्था थी जिसका नाम था प्रादेशिक नियोजन संघ, जिसको बोलते हैं रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन का शुभारंभ कब हुआ, 1922 में हुआ, किसके द्वारा किया गया, प्रादेशिक नियोजन संघ रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन, जो क्या थी, एक प्राइवेट संस्था थी, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गई ये बातें। आगे, इस संस्था का उद्देश्य, जो ये प्रादेशिक नियोजन संघ था रीजनल प्लानिंग एसोसिएशन, जो एक प्राइवेट संस्था थी, इस संस्था का उद्देश्य क्या था कि न्यूयॉर्क प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। इसका उद्देश्य क्या था कि जो न्यूयॉर्क प्रदेश है ना, उसकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। किसका, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना। आगे, अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजना 1927 में न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी। अमेरिका में जो सबसे पहले प्रादेशिक परियोजना तैयार की गई थी वो कब तैयार की गई थी, 1927 में तैयार की गई थी, और न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी, ठीक है। ये बहुत प्यारी बात है, अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक नियोजन जो परियोजना थी वो कब तैयार की गई थी, 1927 में तैयार की गई थी, और न्यूयॉर्क के लिए तैयार की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका में सर्वप्रथम प्रादेशिक परियोजनाएं कब बनी, 1927 में बनी, किसके लिए बनी, न्यूयॉर्क के लिए। आगे, जर्मनी में 1920 में सर्वप्रथम रहर प्रदेश, एक जर्मनी का प्रदेश है जिसका नाम है रहर प्रदेश, तो जर्मनी में सर्वप्रथम कब, 1920 में, कहां पर, रहर प्रदेश के नियोजित विकास हेतु SVR नामक एक प्रादेशिक नियोजन अभिकरण की स्थापना की गई, ठीक है। दोबारा से पढ़ो इस पूरी लाइन को। देखो, जर्मनी में 1920 में सर्वप्रथम रहर प्रदेश के नियोजित विकास हेतु SVR नामक एक प्रादेशिक नियोजन अभिकरण की स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखो, ब्रिटेन में, कहाँ की बात करते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन के डॉनकास्टर प्रादेशिक नियोजन का, ब्रिटेन में जो प्रादेशिक नियोजन है उसको क्या बोलते हैं, डॉनकास्टर बोलते हैं। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 1922 से हुआ था, ध्यान से सुनना। ब्रिटेन में प्रादेशिक नियोजन को क्या बोलते हैं, डॉनकास्टर बोलते हैं। इसका शुभारंभ कब हुआ था भाई, 1922 में हुआ था। मज़ेदार है ना सिस्टम। आगे देखो, यहाँ पर सब कुछ याद करने का, मैं इनको बोर्ड पर लिखा था ना, तो उसमें क्या होता, क्लास लंबी हो जाती, क्लास में टाइम लगता, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं समझाने का, सारा का सारा सब कुछ लिखने का है, याद करने का, जो मैं सारा लिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दक्षिणी इटली के आर्थिक उत्थान हेतु विकास कोष की स्थापना सन 1950 में कर दी गई थी, जिसे इटली भाषा में डाकास पर एल, डाक कास पर एल
मिजोरिनो की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा प्यार से दोबारा पढ़ो भाई लोगों, प्यार से पढ़ना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दक्षिणी इटली के आर्थिक उत्थान हेतु विकास कोष की स्थापना कब हुई? 1950 में की गई, और इसको इटली भाषा में क्या संज्ञा दी गई? द कास पर इल मेजोरिनो, द कास पर इल मेजोरिनो। ठीक है जी, आगे जर्मनी में 1920 में SVR की स्थापना की गई, जर्मनी में 1920 में SVR की स्थापना की गई। विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों विशेषकर 1920 के उपरांत ही प्रारंभ हुआ था। जो विकसित देश हैं उसमें जो प्रादेशिक नियोजन है, जो विकसित देश हैं उनमें प्रादेशिक नियोजन विषय का जो वैचारिक उद्भव है वो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कौन सी सदी में हुआ था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्यार से सुनना है। विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन विषय का वैचारिक उद्भव 20वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों विशेषकर 1920 के उपरांत ही प्रारंभ हुआ था। आगे देखो, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। देखो, याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, ध्यान रखना रीजनल प्लानिंग है जो मैं लेक्चरर के लिए 150 पेज के आसपास में कंप्लीट करवा दूंगा। रीजनल प्लानिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, लेक्चरर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब देखो, अधिकांश विकासशील देश वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को प्रादेशिक नियोजन का सर्वप्रथम साधन मानकर कार्यक्रम बना रहे हैं। यदि विश्व के अधिकांश विकासशील देशों की बात की जाए ना, तो विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं वो वॉटरसन द्वारा प्रतिपादित नगर प्रदेश मॉडल को आधार मानकर या को सर्वश्रेष्ठ साधन मानकर प्रादेशिक नियोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है ये सारी बातें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व के अधिकांश विकासशील देश निम्नलिखित में से किस मॉडल के आधार पर अपना प्रादेशिक नियोजन का कार्यक्रम बना रहे हैं? तो वो मॉडल है नगर प्रदेश मॉडल, जो किसका है? वॉटरसन का है। समझ में आई ये बातें? आगे देखो भाई, विकासशील देशों में भारत है, नाइजीरिया, पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहां प्रादेशिक परियोजनाओं को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। जो विकासशील देश है ना, उनमें क्या हुआ है कि जो प्रादेशिक नियोजन है उसे अभी सही ढंग से सफलता नहीं मिल पाई है। विकासशील देशों में अभी तक प्रादेशिक नियोजन को सही ढंग से सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ देश हैं जैसे भारत है, नाइजीरिया है और पाकिस्तान है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर प्रादेशिक नियोजन को कुछ हद तक सफलता मिल पाई है। बाकी जो विकासशील देश हैं वहां पर प्रादेशिक नियोजन को अभी सही ढंग से सफलता नहीं मिल पाई। मजा आ रहा है क्लास को देखने में? और जो भी डाउट हो, जो भी समझ में नहीं आ रहा हो, आपकी कोई भी राय हो, मेरे को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खुल के बताओ कि सर जी आप में ये बदलाव करना चाहिए, आपको इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, ये सर जी आपकी हर राय को मानेगा। ठीक है, यदि आपकी राय अच्छी होगी तो। प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब देखो भाई, तीन प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? पहली है नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। पहली कौन सी है? नगर प्रदेश अथवा महानगर आधारित नियोजन क्रिया। दूसरी कौन सी है? स्थानीय एरिया परियोजना को समग्र राष्ट्रीय योजना में समाहित करना। दूसरी कौन सी है? स्थानीय एरिया परियोजना को समग्र राष्ट्रीय योजना में समाहित करना। और तीसरी कौन सी है? नदी घाटी पर आधारित प्रादेशिक योजनाएं बनाना।
तीसरी कौन सी है, नदी घाटी पर आधारित प्रादेशिक योजनाएं बनाना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ये टोटल तीन थी, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, वो क्या करेगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, यहाँ पर प्रादेशिक नियोजन के सिद्धांत एवं व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से कौन सी इससे संबंधित नहीं है। अब वहाँ पर ये तीन तो संबंधित हैं भाई, और चौथी संबंधित नहीं है, तो जब आपको ये तीनों याद होंगी तो आप चौथी का पता लगा पाओगे कि चौथी है या नहीं, अदरवाइज आप क्वेश्चन को बड़ी शानदारी से, बड़ी इज्जत से गलत करके आओगे, और बहुत समझदारी के साथ गलत करके आओगे। उसके बाद आगे चलते हैं, भारत में प्रादेशिक नियोजन, यहाँ पर नियोजन लिखना भूल गया मैं भाई साहब, ठीक है। अब भारत में प्रादेशिक नियोजन के बारे में पढ़ते हैं हम, कि भारत में प्रादेशिक नियोजन क्या हुआ, क्योंकि हम रीजनल प्लानिंग वर्ल्ड और इंडिया दोनों लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो भारत में प्रादेशिक नियोजन भाई क्या सिस्टम है इसमें, अब आओ मेरे साथ। स्वतंत्रता के केवल 4 साल बाद देश में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू कर दी गई, कि भाई जैसे देश आज़ाद हुआ, ठीक है, जैसे देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद होने के, देश के आज़ाद होने के तुरंत 4 साल बाद में 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1951 में आई थी, जो देश के आज़ाद होने के फिक्स 4 साल बाद में आई थी। ओ भाई आ गया हो रे, भारत में प्रादेशिक नियोजन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, भारत में जो प्रादेशिक नियोजन है इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आगे देखो भाई लोगों, बहुत शानदार क्लास होने वाला है। प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित तीन प्रमुख सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित हैं। जो प्रादेशिक नियोजन है उसके भाई साहब भारत में टोटल तीन, जो भारत का जो संविधान है ना उसमें टोटल तीन सिद्धांत हैं। दोबारा से लाइन को समझो, मैं बता रहा हूँ कि प्रादेशिक नियोजन के भारत के संविधान में प्रमुख तीन सिद्धांत हैं। किसके हैं तीन सिद्धांत, किसके हैं प्रादेशिक नियोजन के, किसमें, भारतीय संविधान में। अब आओ भाई थोड़ा प्यार से पढ़ते हैं, अब आओ भाई प्यार की राहों में चलते हैं हम। देखो, भारत के सभी नागरिकों को अपने भरण पोषण, ये भरण है, भरण पोषण हेतु उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। भारत के सभी नागरिकों को अपने भरण पोषण हेतु उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। रिपीट कर रहा हूँ बात, पहला सिद्धांत क्या है कि भारत के समस्त नागरिकों को अपना पेट भरने के लिए या अपने भरण पोषण के लिए उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। भरण पोषण के लिए जो अधिकार मेरे पास है वही अधिकार तुम्हारे पास है, वही अधिकार किसी और के पास है। आओ भाई अगली बात, देश के भौतिक संसाधनों पर समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि समाज के प्रत्येक अंग का सामान्य जीवन अधिकाधिक सुखमय। प्यार से समझो, देश के भौतिक संसाधनों पर समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो कि समाज के प्रत्येक अंग का सामान्य जीवन अधिकाधिक सुखमय हो, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलो भाई लोगों, तीसरा सिद्धांत, आर्थिक तंत्र का प्रचलन इस प्रकार हो कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो जाए। आर्थिक तंत्र का प्रचलन इस प्रकार हो कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो जाए। मजा आ रहा है पढ़ने में। तो ये थे टोटल तीन सिद्धांत, ये तीनों के सिद्धांत याद कर लो जो प्रादेशिक नियोजन के लिए भारत के संविधान में लिखे हुए हैं। अब भैयाओ फिर प्यारी बात आ गई, एक बहुत प्यारी बात है, देश की पहली पंचवर्षीय योजना के 4 उद्देश्य थे भाई, जो देश की पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी उसमें टोटल 4 लक्ष्य रखे गए थे जिन्हें हमें प्राप्त करना था, ठीक है। जो देश की पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें टोटल 4 लक्ष्य रखे गए जिन्हें हमें प्राप्त करना था। अब आओ भाई प्यार से पढ़ते हैं सारी बातें, पहले पर आओ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं सामान्य जीवन स्तर में सुधार,
पहला लक्ष्य क्या रखा गया था? पहला लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और सामान्य जीवन स्तर में सुधार हो। दूसरा लक्ष्य क्या था? कि आधारभूत तथा बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर औद्योगिकरण प्रक्रिया में तीव्रता लाना। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया? दूसरा लक्ष्य रखा गया कि आधारभूत तथा बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान कर औद्योगिकरण प्रक्रिया में तीव्रता लाना। ठीक है भाई, अब तीसरा भी रखा गया कुछ, तीसरे की बात कर लेते हैं हम। तीसरा लक्ष्य क्या रखा गया? अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में रोजगार अवसरों को बढ़ाना। तीसरा लक्ष्य क्या था? कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में रोजगार अवसरों को बढ़ाना। और चौथा लक्ष्य क्या था भाई साहब? सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। चौथा लक्ष्य रख दिया गया कि सामाजिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के टोटल चार लक्ष्य थे जिन्हें हमें प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये चारों लक्ष्य भी याद कर लो कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में हुई, स्वतंत्रता के 4 साल बाद में। उसके ये टोटल 4 लक्ष्य थे जो हमें प्राप्त करने थे। मजा आ रहा है क्लास में? अब और भी मजा आएगा भाई। देखो मजा क्या आएगा, देखो भारत की प्रादेशिक नियोजन नीति के प्रमुख उद्देश्य, भारत की प्रादेशिक नियोजन नीति के प्रमुख उद्देश्य। अब आओ भाई पहला उद्देश्य, देश में आर्थिक सामाजिक विकास की गति में तीव्रता लाई जाए। देश में आर्थिक सामाजिक विकास की गति में तीव्रता लाई जाए। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी को घटाया जाए। तीसरा, सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। ये कुछ लक्ष्य हैं किसके? भारत में प्रादेशिक नियोजन नीति के प्रमुख उद्देश्य। कि भाई जो भारत में प्रादेशिक नियोजन की नीति है उसके उद्देश्य क्या है? कि भारत में प्रादेशिक नियोजन नीति क्यों है, क्या क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है देश में आर्थिक सामाजिक विकास की गति में तीव्रता लाई जाए। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी को घटाया जाए। तीसरा, सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। ठीक है जी। और भाई लोगों ये क्लास पब्लिक है, कुछ टाइम में ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये क्लास पब्लिक है लेकिन कुछ टाइम में प्राइवेट हो जाएगी। तो ऐसी इसी तरीके से ज्योग्राफी की जो 20 की 20 यूनिट हैं उनको पढ़ना चाहते हो, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो ज्योग्राफी में, नेट जरफ के लिए या लेक्चरर के लिए 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो अभी बैच ज्वाइन करें। बैच ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हैं 78-91-35-04-70। अजय शर्मा मेरा नाम है और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप चैट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद और भी कुछ उद्देश्य थे भाई साहब? इतने ही उद्देश्य नहीं थे, और उद्देश्य थे जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, एक सभी के लिए उचित प्रकार के राज्य की स्थापना की जाए। और सभी के लिए एक उचित प्रकार के राज्य की स्थापना की जाए और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। अब आगे आओ भाई, बहुत शानदार की बात है, नोट डाल के लिखा है मैंने, आप भी नोट डाल के लिख लो, पता नहीं किसक जाए दिमाग और पूछ ले वो क्वेश्चन। 1950 में योजना आयोग की स्थापना एक योजना सलाहकार एवं योजना कार्यान्वयन संस्था के रूप में हुई। पढ़ो भाई, 1950 में, कब की बात है? बात है 1950 की, कि योजना आयोग की स्थापना एक योजना सलाहकार तथा योजना कार्यान्वयन संस्थान के रूप में हुई। ठीक है, अब इस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भाई लोगों वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन इसको इस टाइम नीति आयोग बोलते हैं, यह ध्यान में रखना। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष सदा प्रधानमंत्री रहते हैं। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो वो योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। एक प्यारी बात और छुपी हुई है यहाँ पर, योजना आयोग का कार्यभार संभालने का कार्य किसका है? भाई जो योजना आयोग का जो कार्यभार होगा उसको कौन संभालेगा? हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो क्या काम करेंगे? योजना आयोग का कार्यभार संभालेंगे। मजा आ रहा है क्लास में भाई लोगों? मजा आना चाहिए क्लास में, और क्लास बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, बैच ज्वाइन कर लो, कुछ टाइम के लिए पब्लिक है, तुरंत बाद में प्राइवेट कर रहा हूँ क्लास को।
ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, देखो कितनी प्यारी टॉपिक है। भारतीय योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जो भारतीय योजना आयोग है भाई इसका क्या काम है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई ये योजना आयोग बना इसका काम क्या है, काम क्या करता है ये? मैं बताता हूँ क्या क्या काम करता है, अब मेरी सुनो भाई, ठीक है। देखो पंचवर्षीय और एक वर्षीय योजनाओं को तैयार करना। अब भाई हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि कभी पंचवर्षीय योजना आती है, कभी एक वर्षीय योजना आती है, तो ये कौन बनाता है? ये भाई हमारा योजना आयोग ही बनाता है। इसका काम यही है कि वो एक वर्षीय और पंचवर्षीय योजनाएं बनाए। आगे देखो राष्ट्रीय नियोजन के कार्यों की देखरेख करना। अब जो राष्ट्रीय नियोजन के कार्य होते हैं उनकी देखरेख भी कौन करता है? तो भाई इनकी देखरेख भी हमारा योजना आयोग ही करता है। विभिन्न परियोजनाओं की लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करना, और जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनकी लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करना, क्या करना? सुनिश्चित करना। विभिन्न परियोजनाओं की सामयिक समीक्षा तथा प्रशिक्षण करना, और जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनकी सामयिक समीक्षा तथा प्रशिक्षण करना। तो ये हैं कुछ काम, आगे और भी कुछ काम बचे हुए हैं किसके? भारतीय योजना आयोग के। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, शानदार तरीके से नोट्स बनाओ। अभी भाई और भी बाकी है, गेम अभी चालू है। विभिन्न परियोजनाओं में जन साधारण की सहयोगिता को प्रोत्साहित करना। विभिन्न परियोजनाओं में जन साधारण की सहयोगिता को प्रोत्साहित करना। राज्यों की पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, और जो राज्य की पंचवर्षीय और एक वर्षीय योजनाएं हैं उनको स्वीकृति प्रदान करना। अब देखो भाई साहब, एक बहुत प्यारी बात निकल के आई है मेरे साथियों, वो प्यारी बात नहीं पढ़ोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। 73वां और 74वां दो संविधान संशोधन हुए। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया को एक नई दिशा मिली। यहाँ पर मैंने संविधान संशोधन लिखना भूल गया, तो यहाँ पर लिख लो 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया को एक नई दिशा मिली। और इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रादेशिक नियोजन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करके इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना। जो यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्रादेशिक नियोजन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करके इसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना। ठीक है भाई लोगों, अब यदि मैं इसी क्लास को बोर्ड पर पढ़ाता तो इसी तरीके से लिखाता, इसी तरीके से समझाता, लेकिन ये क्लास हमारी 42 मिनट की होती, 45 मिनट की होती या 50 मिनट की होती, लेकिन अब ये हमारी क्लास 22 से 25 मिनट के बीच कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज हो, डायरेक्ट कॉल करो अजय सर को 78-91-35-04-70। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बैच ज्वाइन कर लो, अब ये क्लास प्राइवेट होने वाली है।